अब पानी की जय कह रहा है कि पानी है नहीं, अब कम पानी है, ये कहीं हेडपम्प है, पूरा मोहल्ला है, तो परेशानी आ जाती है लोगों को। अभी मैं मौजूद हूँ ललितपुर ज़िले के जखौरा विकास खंड के गांव नदरवारा में। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग पानी भर रहे हैं। सुबह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक ही हैंड पंप है जिसमें सारे लोग पानी भर रहे हैं। लोगों ने बताया कि ये एक ही इकलौता हैंड पंप है जिसमें हम सारे लोग पानी भरते हैं। लगभग 500 की बस्ती है ये, नई दुनिया है, ये नई बस्ती है कहते हैं इसको, और यहाँ सारे लोग पानी भरते हैं। अब गाँव में जानवर भी होते हैं, बच्चे हैं, सबका पानी इसी नल से इस्तेमाल होता है। जानवरों के लिए भी कोई दूसरी सुविधा नहीं है पानी भरने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ही भीड़ रहती है। एक और नल है जो कि ख़राब पड़ा है, उसको किसी तरह से तार में बांध के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सही पानी नहीं देता है। लोग इसी हैंडपम्प में ज़्यादा पानी भरते हैं। कितनी देर आपको वेट करना पड़ता है, पानी का इंतज़ार करना पड़ता है? एक घंटा आदमी जुड़ जाएंगे तो एक घंटा नहीं मिलता है मन को पानी, नंबर लगता है, नंबर से लोग आते हैं। हाँ, नंबर से, चाहे कोई 10 लाए हुए तो 10 का पानी भरने, जब वो 10 भले जब दूसरा पानी भरे, ये सब। किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं पानी न होने की वजह से? क्या क्या काम रुके रह जाते हैं? अब अंदर को काम रुके रहते हैं, पानी हो, अब पानी हो छोड़ के भाग जाएंगे तो वो अंदर का काम रह जाते। अब जैसे घर में हो तो भीतर हो तो अपने भरे और काम करे जल्दी, अब भीतर है नहीं है, जे हुए। वो नल नहीं है सप्लाई वाला? नहीं, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, आ जाएंगे अब। चाय पाइप तो डर गए जी ना, कब पड़ गए पाइप? ये ठंडा में पड़ गए थी चौमासे में। पानी उतना है लेकिन कभी खराब रहते हैं, कभी सही रहते हैं, सुधर भी जाते हैं, और पता चला महीनों ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर जब महीनों ऐसे पड़े रहते हैं तो कहाँ से पानी भरते हैं आप लोग? दूर से लाते हैं। कितनी दूर जाना पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर 600 मीटर दूर से लेडीज लोग जाती हैं। आप लोग नहीं भरते हैं? हम लोग भी भरते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग भी जाते हैं सुबह या शाम को, हम लोग खुद भर के लाते हैं। मैं खुद जाता हूँ भरने के लिए कभी कभी। आपके दरवाजे पे एक हैंडपम्प जो लगा हुआ है, इसमें कितने लोग पानी भरते हैं? मैम, इसमें पूरी बस्ती आती है, करीब करीब कम से कम 200-250 के करीब करीब आदमी होंगे, और यहीं पर झगड़ा मगड़ा होता रहता है, लेकिन बहुत आया है एक ही हैंडपम्प में, लेकिन पूरे गाँव में। हाँ बस मैम, एक ही आबादी इस गाँव की? इसकी आबादी होगी मैम 2300 के ऊपर इंसानों की इतनी है। हाँ, हाँ, और पानी की फिर जानवरों को भी लगता है? मैंने सबके घर में बहुत सारे जानवर। हाँ हाँ, बहुत सारे जानवर हैं, मतलब जानवरों को तो पानी की अलग व्यवस्था कोई है भी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए मैम। कभी इसकी मांग नहीं की आप लोगों ने? हाँ मांग होती है, लेकिन पानी निकलता है लगवाते हैं, लेकिन कहीं पानी निकलता है या नहीं निकलता है, लेकिन होती है मांग। अब जैसा पहाड़ी एरिया है? नहीं, पहाड़ी एरिया नहीं है उतना, लेकिन पानी बहुत कम निकलता है। कब से ये समस्या है कि बहुत? मैं ये समझ लो समस्या तो इस बस्ती की तो जो प्रॉब्लम है तो वो शुरू से कम 2-3 साल से बराबर यही कंटिन्यू एक ही नल काम कर रहा है, लेकिन अगर माने तो गांव में भी और प्रॉब्लम है, वो समस्या है लेकिन पानी की। हाँ बताए बताए। सर, नंदरवारा में जो पुल के पास से एक बस्ती है, नई दुनिया है वो? हाँ। वहाँ पे पानी की समस्या है, लोगों ने बताया कि एक हैंडपम्प है और उसी में सारे लोग पानी भरते हैं। नहीं, प्रधान जी तो बोल रहे थे कि 2-3 हैंडपम्प चालू है वहाँ, थोड़ा दूर, थोड़ी दूर, थोड़ी दूर पे। अच्छा, तो चलो हम दिखवा ले रहे आज, दिखवा ले रहे आज, हम वहीं जा रहे हैं, हम चले रहे हैं इसमें से। तो और क्या सुविधाएं हैं वहाँ पानी की, और क्या हो सकती हैं? पानी का तो अब वो हर घर से नल योजना चल रही है, वो आने ही वाली है बस। कब तक आ जाएगी? अब कुछ शासन कहा तो हैंड ओवर होगी, तभी उसका उपाय प्रधानों को हैंड ओवर होगी, वो तो बन जाएगी अब। ये सब संभावना है कि दिसंबर तक हो जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।